तो वेलकम टू वंस अगेन माय चैनल, आपका दोस्त देश दीपक। आज सुबह सुबह अचानक से मूड हो गया दोस्तों, एक छोटा सा रोड ट्रिप पे। तो थंबनेल देख करके आपको पता ही चल गया होगा, और इसका ज़्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत देने की ज़रूरत है नहीं, और इस जगह को किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। तो दोस्तों अब जल्दी से चलते हैं और देखते हैं अपनी क्षेत्र क्षेत्र नहीं, ये रही अपनी हवाई जहाज। तो अब हम चलते हैं और इसको बाहर निकालते हैं, और थोड़ा साफ करने की प्रक्रिया को हम लोग इसको अंजाम देने की कोशिश करेंगे। है कि निकले तो सही में, लेकिन घूम फिर के वापस ही आना पड़ गया दोस्तों, क्योंकि मेरे जो देखिए पीछे जो लड़का है अनमोल रतन, उसने अपना शूज घर में ही छोड़ दिया, तो हमें वापस लेने के लिए आना पड़ा। और दोस्तों कहने का मतलब यह है कि मैंने जिसको भी फोन किया लाने के लिए, वो भी बाहर निकला हुआ है। तो अब दोस्तों अब निकले हैं अपने मंजिल की ओर, तो अब हम इधर से लेफ्ट राइट क्या है, तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो गूगल मैपा है तो वो बता रहा है राइट साइड लेने के लिए, और ट्रिपल लोडिंग से ये लोग जा रहे हैं, और रास्ते बिल्कुल ही खाली हैं। तो खाली रास्तों में गाड़ी मांग रहा है 3 नंबर। वगैरह लोग यहीं से नासिर, इस एरिया में बालू खनन होता है, और पता नहीं ये कौन सा नदी है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ बालू का पूरा खनन है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी इधर लगा हुआ है मशीन। तो वास्तविक में यहाँ का जो लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत है, और ये दाऊद नगर नासिरगंज का फ्लाईओवर है, जो इधर से दाऊद नगर है और उधर नासिरगंज का फ्लाईओवर है, जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करती है। तो फिर अब हम चलते हैं। नज़ारा है वो सामने सामने पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का पूरा का पूरा। तो मैं आपको बता नहीं सकता कितना सुंदर है, और रियली में बहुत अच्छा है। भगवान शिव का बहुत बेजोड़ मंदिर है, और यहाँ दोस्तों यहाँ आपको एंट्री करानी होगी मंजूदार कुंड जाने के लिए, और आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर कार्ड का नंबर आपको यहाँ नोट डाउन कराना होगा, जैसा मैंने भी करा रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। कौन मंजर कुंड है, और कोई कुंड है देख रहे हैं? अभी हम मंजर कुंड के जो पहाड़ है वहाँ पे चल जाते हैं, रास्ते पे हैं, और यहाँ का जो रास्ता है वो बिल्कुल ही ख़राब है। आप देखिए मेरे पीछे कितना सुंदर है।
और ये जो रास्ता काट करके बनाया हुआ है, और वो जो है सामने वो तारा चंडी माता जो 51 शक्ति पीठों में एक है वो है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अब हम रुके हुए चलते हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए वीडियो में। यहाँ दोस्तों यहाँ से देखने के बाद लगता है कि दिल खुश हो जाता है, बिल्कुल ज़बरदस्त वाली। और ये बिल्कुल सामने देख सकते हैं आप, एक पूरा पहाड़ का, पहाड़ तो नहीं कह सकते हैं, एक माउंटेन टॉप पूरा रेंज ही है। तो दोस्तों यहाँ आने का उचित समय है, बरसात के समय में थोड़ा एडवेंचर होता है, थोड़ा रोचक होता है। और पूरे हरे भरे ये मियाँ बियाबान उजाड़ जगह पे हम लोग मार्च के महीने में आ करके भी बहुत अच्छा लगा। जैसे पहाड़ पर ऊपर चढ़ने के बाद आप 4 किलोमीटर के आसपास में आइएगा दोस्तों, तो बिल्कुल सीधा सीधी आइएगा। और यहाँ एक साइनिंग बोर्ड लिखा हुआ है कि रास्ते भटक ना जाए, मैं देख सकते हैं मांझरकुंड। तो हमें जाना है इधर और इधर जाना है उधर, रोहतासगढ़ किला। तो दोस्तों आज का एक्सप्लोरिंग का टाइम कम है, तो हम अभी चलते हैं कुंड की ओर और चलते हैं। और ये भाई ये फीलिंग जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त वाली है। गर्मी इतनी पड़ रही है मार्च के महीने में कि मत कुछ कह सकते हैं, जिसका कोई मतलब कि फीलिंग मतलब कि दिमाग हालत ख़राब हो रखी है भाई। फिर लंबा दूरी चलने के बाद हम लोग वो स्थान पर पहुँच ही गए हैं दोस्तों। लेकिन भाई साहब मत कहिए, एक्सपीरियंस कैसा रहा आइए जानते हैं। साहिल, साहिल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा, बिल्कुल ही जंगल टाइम आप देख सकते हैं। 2:15 हो गया और हम लोग से 1 घंटे में यहाँ आए हैं ऊपर, लगभग 2 घंटे। और ये जो है क्लिंग पहले तो हम जिसके लिए आए हैं उसको थोड़ा विजिट करते हैं। महर्षि विश्वामित्र, विश्वामित्र का तो चर्चा आपने सुना ही होगा। और ये बहुत ही ये है
हॉरेबल था, हॉरर, बिल्कुल डरावना। मुझे ड्राइव करने में इतना डर लगा, इतने दूर से। मुझे याद है दोस्तों, यहाँ अक्सर एक खूबसूरत सा झरना सामने से और बगल में ही आगे सीता कुंड है, उधर से इधर गिरता, इतना खूबसूरत नज़ारा आता था दोस्तों। उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, लेकिन आज मैं जब ब्लॉगिंग के लिए आया तो मुझे नहीं पता था दोस्तों कि यहाँ एक सूखा हुआ खाई सीट मिलेगा। बट इस नज़ारे को देख करके भी अपने आप में एक रूहानी एहसास होता है दोस्तों। माय गॉड, सच में बिहार में इतनी खूबसूरत जगह है जो कि दिल को खुश करती है। और सासाराम के बारे में जहां आप जानते होंगे तो किसी चीज़ का परिचय देने की कुछ ज़रूरत। बहुत बड़ा बदलाव, और अब जब भी आइए तो ये बरसात के मौसम में यहां आना उचित है। और मैं तो सर पर हाथ देता हूं, यहां कुछ नहीं है, एक गड्ढा सा है जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी है और बारिश बिल्कुल के कारण ये हो गया है। बाकी सब खत्म, अभी चलेंगे ना उधर। छोटी सी कुटिया, जैसा ये मठ है, पर यहाँ घोड़ों को बना रखा है। और कहते हैं विश्वामित्र का ये मठ है, होरेबल है। ओह ओह माय गॉड, हेलो, और ये दीवार उवार पूरा गंदा कर रखा है भाई। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि एक ऐसा धरोहर है। अब हमें यहाँ से फटाक से निकलना चाहिए। हमारे तरह ये भी विराजमान है शिवलिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों, इससे मुझे और भी अच्छे अच्छे जगह जाने के लिए प्रोत्साहन मिलती है। तब तक के लिए धन्यवाद, टू बी कंटिन्यूड।